अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौमी, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैंने कहा तारुफ़, वैसे तो इनका तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैंने कहा तारुफ़ करा दूँ क्योंकि यूट्यूब पे वगैरह पे तो नए होंगे एक तरह से। ये RJFE, ये कराची के टॉप रैंकिंग RJS में इनका शुमार होता है। और ये हमें, जैसे आपने देखा होगा, लाइव फेसबुक वगैरह पर मैच आ रहे होते हैं, ज़्यादा टेबल के मैच आ रहे होते हैं, तो वो यही लोग होते हैं जो हमें लाइव मैच दिखाते हैं। हम घर बैठे आराम से लुफ्फानंदोज़ हो रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो हम इनसे मालूम करते हैं कि किस तरीके से दिखाते हैं, इनको कोई इसके बदले रिवार्ड वगैरह मिलता है या नहीं मिलता, या सीधी अपने शो की पूरा कर रहे हैं। अब बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नौमी, आपने मुझे मदु किया, और एक बार फिर मैं तमाम अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात ये है नौमी भाई, आपने मुझे बिल्कुल इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो लाइव कवरेज का जो सिलसिला है वो आपको पता है ग्राउंड के बीच में बैठ के करनी होती है। इसके लिए हमारे पास कोई डिजिटल कैमरा तो होता नहीं है कि हम लोग दूर से बैठ के फोकस कर लें, तो ये मोबाइल कवरेज पे ही दिखाई जाती है सारी कवरेज। और इसके लिए बड़ी मेहनत, आपको पता है, पूरा दिन आवाज़ का जाना आना, आवाज़ को मेंटेन रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, टाइम पे ग्राउंड में पहुंचना और धूप के अंदर ये कवरेज करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो भी गर्मी हो या जैसे नाइट टूर्नामेंट होते हैं, सर्दी के अंदर हो रहे तो सर्दी भी बहुत है, और अगर गर्मियों की बात करें तो दोपहर में टूर्नामेंट जैसा भी आज हम लोग देख रहे, गर्मी बहुत थी, तो गर्मी के अंदर भी करना, मतलब बहुत बड़ी बात है यार ये। तो इसके बदले में आपको कुछ मिलता भी है या बस आप लोग ऐसे ही अपना शौक पूरा कर रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल मिलता है, जो हमारी बात हो जाती है किसी भी कमेटी से जो बुलाती है हमें ग्राउंड के हवाले से, KP भाई आपके क्या चार्जेज हैं, वो हमें बिल्कुल मिलता है। मगर उससे ज़्यादा हमें आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो इज़्ज़त वो हमें मिलती है ना, वो हमारे लिए उन पैसों से बढ़कर है, जिसका कोई मोल नहीं है। अच्छा, जैसे ये स्पोर्ट्समैन होता है, क्रिकेटर है, इनको ज़्यादा पॉपुलर करने में जो किरदार अदा किया है ना, वो RJS ने किया है। जो लगा वो लाइव मैच नहीं दिखाते ये लोग, तो इनको कोई जानता भी नहीं। इसी तरीके स्पॉन्सर हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप, वो स्पॉन्सर कर भी इसी वजह से रहे कि इन लोगों के पास हज़ारों लाखों में व्यूज़ आते हैं, तो इनके स्पॉन्सरशिप भी अच्छी हो जाती है, उनकी पब्लिसिटी होती है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये स्पॉन्सर से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आप जो बैट्समैन वगैरह होते हैं, बॉलर होते हैं, खिलाड़ी हैं, इनको आप जैसे पैसे देते हैं, तो ब्रॉडकास्टर वगैरह जो होते हैं RJ, इनको भी आप इतने ही पैसे दें, लेकिन इनमें बहुत कम देते हैं पैसे। तो ये FE भाई से मैं मालूम करूँगा कि वाकई में बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं या नॉर्मल मिलते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नौमी, मिलते हैं बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जिस तरीके से मिलना चाहिए हमें, कि जो अगर हम सोचें कि हमारा काम है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम सुबह से बैठकर, और एक सीट पर ही पूरा दिन गुजार देते हैं, ना वॉशरूम जाना है, ना मुंह धोना है, तो इस वजह से भाई बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो यही होता है कि आखिर में फिर इंशाल्लाह हमें एक अवार्ड दे दिया जाता है, और जो हमारे लिए वो याद बनकर रह जाता है, हमारे घर में वो धूल उस पर लग रही होती है, तो वो हमारे, मतलब अवार्ड तो होता है, हमें खुशी होती है उसकी कि यार हमें एक अवार्ड मिला है, हमें इस ग्राउंड से जो है मोहब्बत मिली है। तो आपको पता है कि पेट जो है वो अवार्ड से नहीं भरता, वो खाने से ही भरता है, पैसों से ही भरता है। तो ये ले सपोर्ट करते हैं लोग, मगर आपके तवज्जो से मैं एक दफ़ा फिर लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी RJS कराची में काम कर रहे हैं, आप लोग भरपूर तरीके से स्पॉन्सर जितने भी है कराची के, उन लोग को भी सपोर्ट किया करें। सही, देखें इन्होंने, मे भी ना, क्योंकि देखें मेरा तो इनसे कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने एक बात देखी ना कि जितने बड़े स्टार हैं, मैं कराची के स्टार की बात करूँ, बहादुर FT है, दाऊद पठान है, असद शाह है, ये पूरा अगर कराची से बाहर भी आके खेल रहे हैं, तो वो इन RJS की वजह से ही खेल रहे हैं। तो ये स्पॉन्सरों के भी जो नाम बने वो इसी वजह से बने, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी सपोर्ट करें। ये नहीं कि आपने 1000-1500-2000 रुपये दिए, पूरा दिन लगा दिया, यार आजकल तो मजदूर भी बंदा इससे ज़्यादा पैसे कमा लेता है। ये पूरा दिन बैठे रहते हैं, हमें मेज लाइव दिखाते हैं, हमें पॉपुलर करते हैं ये, तो हमें इनका, हमें चाहिए, मैं स्पॉन्सर खसूस जो स्पॉन्सर है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको सपोर्ट करें, ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें मैच दिखाएं, और दूसरे लोग भी जो हैं उनको भी शौक पैदा हो, वो लोग भी RJ बने, वो बोलें कि भाई हम भी दूसरों को लाइव मैच दिखाएंगे। अगर अगर जैसे इन लोगों को पैसे मिल रहे हैं ना, इन्होंने पैसे बताए नहीं, लेकिन मुझे पता है इनको बहुत पैसे, कम पैसे मिलते हैं, तो मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा दें, ताकि लोगों में शौक पैदा हो। और यहाँ पर नौमी भाई एक बात और करता चलूँ कि हमारे इससे पहले के जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं टेप बॉल की दुनिया के, वो नामी गिरामी उसमें, जैसे कि हमारे इलाके से अगर आप ले लें तो अंजुम भाई हैं हमारे, बहुत तेज़ बॉलर थे, सरदार भाई हैं, और भी बड़े नाम हैं हमारे इलाके के, मगर इस टाइम जो है ये लाइव का सिलसिला नहीं था। अगर वो होता तो ये, जैसे कि फर्रुख पप्पा हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, हमारे काशी लेफ्टी अब नज़र आ रहे हैं कैमरे पर, मशहूर हो रहे हैं, अल्लाह उनको और कामयाब करे, जितने भी फैज़ान और फैज़ी हैं, तो मैं यहाँ पर जितने भी लेजेंड है उनके सामने ये लाइव कवरेज नहीं थी। अगर होती तो वो भी बड़े एक नामी गिरामी होते हैं माशाल्लाह से, बड़ी सपोर्ट मिलती उनको भी। ऐसा ही, अगर मैं बात करूँ कि भाई अभी जो क्रिकेट हो रही है ना, और जो पहले क्रिकेट हो रही है, इसमें मयार में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये लोग इसलिए पॉपुलर हो गए क्योंकि FE भाई जैसे RJS जो है इनको पॉपुलर कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले की बात करें तो वाकई में वो लेजेंड थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग बहुत बड़े लेजेंड थे वो।
बिल्कुल नौमान भाई, कि अगर आप कराची में देख लिया है, कम से कम भी 15 से 16 लोग जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस में नाम ले लेता हूँ, उमेर आरजे उमेर हैं, दानियाल महमूद हैं, और भी बड़े नाम हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो शायद बड़ा मसला हो जाएगा, नाम लेना आसान नहीं है 16 लोगों के, याद रखना। उसमें हादी बच्चा है माशाल्लाह से, अच्छी कमेंट्री कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उम्र अभी उसके पढ़ने लिखने की है, लेकिन उसने इस काम को फोकस किया और करके भी दिखाया, तो अल्लाह उसको और कामयाब करे। तो बहुत शुक्रिया नौमी भाई आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और एफ भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, ऐसे ही आप और अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, आप और अच्छे अच्छे मैच दिखाएं और ऐसे ही आप लोगों को स्टार बनाते जाएँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।